रेफरी महोदय से आग्रह है खेल को स्टार्ट करें। थैंक यू। और इस वक्त दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला, स्कोर बराबरी पर शून्य की तरफ। और एक गोल, थोड़ी सी चूक हुई गोलकीपर की। और मैं जानकारी के लिए एक बार सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को अवगत करा दूं, ये दूसरा चक्र का अंतिम मैच एलबीएस बोनवड़ा बनाम मोटू पतलू के बीच खेला जा रहा है। और इस खेल के खेलने लायक मिस्टर अमित शर्मा। अमित शर्मा की अगर बात करें तो जेएसके के उभरता हुआ और ये भी आत्मविश्वास भरा शॉट और सीधे गोल में तब्दील होता हुआ। जो खिलाड़ी गोल मारे हैं कृपया एक बार हाथ उठा के जर्सी नंबर दिखाएं और सभी और इस प्रकार फिर दोनों का स्कोर सेम सेम हो गया। एलबीएस बोलंगवाड़ा टीम की अगर बात की जाए, पहला चक्र में 3-0 की बढ़त बनाकर जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरा चक्र में भी
आपने प्रतिद्वंद्वी टीम को मात देने में कहीं ना कहीं, और ये जब मैच बड़ा होता है तो आपस में बड़ी टक्कर होती है और कड़ा भी है और बड़ा भी है, एक तरफ एलबीएस बोनगुड़ा और दूसरी तरफ मोटू पतलू, जबकि एक एक बराबरी पर। के विकास के रूप में पहला गोल, फिर से फ्री किक मिलता हुआ एलबीएस बुनगड़ा को, इस मौका का मौका बन सकता है। जबकि दोनों टीम बराबरी पर, इस बचे हुए समय में प्रयास जरूर होगा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने की। ये दूर से मारने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन, एलबीएस बुनगड़ा की अगर बात करें तो सोनू जैसे युवा और अनुभवी खिलाड़ी अपने टीम के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि मोटू पतलू की अगर बात करें तो डॉक्टर हस्ता जैसे युवा खिलाड़ी अपने टीम के लिए नेतृत्व करते हैं। कहीं ना कहीं मैच धीरे धीरे रोमांच होता हुआ, अच्छी तालमेल यहां पे, लेकिन दिशाहीन, और यहां पे खिलाड़ियों गलत तरीका आजमाना चाहा, नतीजा फाउल में तब्दील होता हुआ, जबकि एलबीएस बुनगड़ा को यहां पे एक फ्री किक मिलता हुआ। मंच के बाएं छोर में एलबीएस बुनगड़ा और दाहिने छोर पे मोटू पतलू की टीम, जबकि दोनों टीम एक एक बराबरी पर, सब बचे हुए समय में प्रयास जरूर होगा फिर से अपने।
और यहाँ पे एक बार पीछे मौका बन सकता है काउंटर अटैक, भाग्यशाली रहे या फिर निराश जरूर होंगे। रवि जिनका भाग्य ने साथ नहीं दिया, हलिया था गोल में, विजय हुई है। और सेकंड राउंड फोर्थ गेम मोटू पतलू वर्सेस एलवीएस बनगोड़ा के बीच सेकंड हाफ के पहले एक एक गोल दोनों तरफ से था, जो कि बाद में फिर अपना स्कोर दोनों का शून्य हो गया। अब देखें आगे क्या होता है। दोनों टीमों की अगर बात करें तो बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल के आए हैं, जबकि इस बार संजय ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला, जबकि कभी ऐसा भी हुआ है कि सभी खिलाड़ी एक साथ खेले हैं लेकिन आज एक दूसरे के साथ भिड़ंत होता हुआ सभी धुरंधर खिलाड़ी एक दूसरे को मात देने में प्रयासरत, जबकि दोनों टीमों का रिजल्ट शून्य शून्य पर। मध्यांतर के बाद प्रयास जरूर होगा बराबरी करने की, चाहे एलबीएस बोनगोड़ा की टीम हो या मोटू पतलू, दोनों में अनुभवी खिलाड़ियों का समावेश और उभरता हुआ खिलाड़ियों का समावेश। अच्छी तालमेल अच्छी पास दोनों टीमों के, और फिर से एक बार मौका बन सकता है। और यहाँ पे पीला कार्ड का संकेत है हमारे बीच, हमारे आयोजक समिति के मार्गदर्शक तपन महतो जी हमारे बीच विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा गैलरी में चल जाएं और टिकटॉक के युवा खिलाड़ी और मेडल से सम्मानित करते हुए, और एक फ्री किक काफी निराशजनक शॉट, काफी निराश होंगे टीम कप्तान टीम मैनेजर। अरे लौड़ा भाई लटेकत के
युवा खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 एलबीएस बनगड़ा के काफी धुरंधर खिलाड़ी में से जाने जाते हैं मिस्टर रवि को उनका प्रतिभा अपने इस मैदान में दिखाते हुए हर दूर से मारने की कोशिश थी लेकिन गोल पोस्ट से काफी बाहर या फिर निराशजनक शॉट। बचे हुए समय में प्रयास जरूर होगा दोनों टीमों की। यहाँ पे दोनों टीम एक एक की बराबरी पर ये मैच चलता हुआ श्यामा डी वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के एक धुरंधर खिलाड़ी है श्यामा डी। कौन भला ऐसे खिलाड़ियों का नाम नहीं जानते। और एक बार फिर से गलत तरीके आजमाना चाह नतीजा फाउल करार देते हुए हमारे खेल निर्णायक मिस्टर अमित शर्मा के रूप में जो एक एक सूचना है कमिटी मेंबर्स जो अभी तक लंच नहीं लिए हैं जाके ले लें कैंटीन के अंदर। कमिटी मेंबर्स लंच के लिए चले जाएं जिन्होंने अभी तक लंच नहीं किया है। धन्यवाद। ऐसा मौका मिला यहाँ पे टीम कप्तान टीम मैनेजर काफी निराश होंगे। छोटे करके युवा खिलाड़ी रोहित लोहार बॉल बॉय बॉल पर ध्यान देंगे। ये
और इसी के साथ खेल की